हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट टू ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, तो अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंटरडे टाइमिंग्स पे मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप, देखिए जहाँ पे मैं ऑप्शंस के जो भी मुझे कॉल अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए आज ही मैंने यहाँ पे 43,300 का P80 पे शेयर किया था और उसने यहाँ पे 180 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 100 पॉइंट के करीब कैप्चर करा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आयशर मोटर का मैंने यहाँ पे कॉल दिया था 3600 का C 21.60 पे, इसने आज यहाँ पे 272 का हाई लगाया। आप जाके देख लेना, 272 का हाई है। ऑलमोस्ट ये कितना गुना हो गया, अगर आप सही से देखो तो ऑलमोस्ट 13 से 14 गुना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के कॉल मैं अपने पेड ग्रुप में देता हूँ, अपने लर्निंग ग्रुप में देता हूँ। तो अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, हमारे लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे। तो देखिए ये है हमारा वो स्टॉक जिसने यहाँ पे एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 88% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे 5th October को शेयर करा था, ये वाले दिन में, ठीक है, 71 के आसपास। और यहाँ से देखिए इसने 88% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आज हमारा कितना तारीख चल रहा है, 13 नवंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 7 दिन ज्यादा है। ओवरऑल में अगर मैं इसे राउंड से फिगर में कंसिडर करूँ तो एक महीने 7-8 दिन में यहाँ पे हमें 88% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा। देखिए टेलीग्राम में लेके चलता हूँ मैं आपको। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मुझे माफ करिएगा अगर मेरी आवाज थोड़ी धीमी आ रही हो। तो यहाँ पे देखिए 133-134 का इसने हाई लगाया, ठीक है। अभी देखिए 71.60 पे दिया था और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था, लॉन्ग वे टू गो। तो आई होप आपने देख लिया, लॉन्ग वे टू गो मैंने यहाँ पे लिखा था, 71.60 पे दिया था मैंने इसे, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी कहाँ तक जा सकता है अगर मैं सच बताऊँ ना, मन के टाइम स्टॉक को देखूँ, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है, चाहे तो ये और भी भाग सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉपर मेरा फेवरेट पैटर्न राउंडिंग फॉर्मेशन बना था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था और यही पर्टिकुलर रीजन था मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये बोलने का कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट आपके सामने है। तो यही था वो स्टॉक, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक स्टॉक, पहले भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे स्टॉक शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने BSE शेयर किया था 1000 रुपए पे, वो अभी 2300-2400 के करीब चल रहा है, 136-137% का रिटर्न है विद इन 3 मंथ्स में। मैंने GMD से शेयर किया था, उसने 1.5 महीने के अंदर 130-140% का रिटर्न दिया था। और भी मैंने बहुत सारे स्टॉक शेयर करे हैं जो यहाँ पे मोर देन डबल रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने सिर्फ लर्निंग ग्रुप में अच्छे स्टॉक्स देता हूँ, मैं फ्री वाले ग्रुप में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स देता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज की विनती करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियोज को देख रहे हैं ना, प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हमारे यूट्यूब चैनल को रीच मिलेगी। जो लोग सच में मार्केट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर हमें फॉलो करे, अगर उन्हें हमारा स्टॉक सही लगे, हमारे सिलेक्शन सही लगे, तो अपने आप से डिसाइड करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पर्पस रहता है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाऊँ। मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, मैं जितने सिंपल तरीके से स्टॉक्स को देखता हूँ, लोगों को अपना व्यू समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है DCX Systems। DCX Systems को मैंने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज नोटिस हो रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नोटिस हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी नोटिस हो रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी नोटिस हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो मैं नोटिस कराना चाहूंगा। मैं एक जोन उठाता हूँ यहाँ से, अब इस तरीके से मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ पे प्राइस ने कैसा रिस्पेक्ट करा है, ठीक है। प्राइस देखिए यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, प्राइस ने ब्रेक किया, रिटेस्ट एग्जैक्ट वहीं से फॉल, ठीक है। प्राइस ने ब्रेक किया एग्जैक्ट वहीं पे, रिटेस्ट सपोर्ट बाउंस, दोबारा देखिए उसी एरिया पे आया, प्राइस यहाँ से बाउंस करा है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी बार भी उसी एरिया पे और वहीं से बाउंस करा है प्राइस, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं,
और हम इसे थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। प्राइस ये करना चाह रहा है, सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई, दैट इज 350 के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा मेरा यहाँ पे नियर अबाउट 400 रुपए के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज DCX सिस्टम्स। तो यही था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज DCX सिस्टम्स लिमिटेड। और आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है अजमेरा रियल्टी। अजमेरा रियल्टी को मैंने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अजमेरा रियल्टी यहाँ पे क्या कर रहा है ना, बहुत ज्यादा चॉपीनेस क्रिएट करने के बाद अभी वो धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहता है। इसके पीछे का रीजन समझिए आप, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना, ये स्टॉक ना यहाँ से आने वाले समय में डबल ट्रिपल होने वाला है, ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज बोल रहा हूँ ये पर्टिकुलरली इसके चार्ट एनालिसिस पे ही बोल रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें टेक्निकल के बेस पे ही बोल रहा हूँ, बट मैं आपको एक यहाँ पे फंडामेंटल भी दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं टेक्निकल में किस तरीके से क्या सोच रहा हूँ वो सारी चीजें भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक बार चलिए हम यहाँ पे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो देखिए ये है अजमेरा रियल्टी का फंडामेंटल, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। देखिए मार्केट कैप यहाँ पे 1513 करोड़ के आसपास का है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 21.9 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.48% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 9.64% का है, ठीक है। प्लेज परसेंटेज देखिए यहाँ पे 7.88% का है, यानी कि कंपनी ने अपने 7.88% की हिस्सेदारी प्लेज करके रखी हुई है, ठीक है। देखिए इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 25.9 का है, यानी कि अगर हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी सस्ता है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 133 करोड़ रुपीस के आसपास का है, नेट प्रॉफिट एनुअली यहाँ पे 71.6 करोड़ के आसपास का है, करंट मार्केट प्राइस 426 चल रहा है इसका, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.70% का है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1 है, मोर देन 1 यहाँ पे मैं नेगेटिव मानता हूँ, बट 1.02 है, तो ये लमसम सिचुएशन में है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मीडियम है, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 69.7% के आसपास है। तो एक बार हम यहाँ पे इसके क्वार्टरली सेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली सेल्स अगर यहाँ पे आप देखें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए हमें ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं। देखिए बीच में थोड़ा सा फॉल करे थे, फिर से यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जून 2022 के मुकाबले अगर आप यहाँ पे देखें 52 करोड़ का सेल था, यहाँ पे देखिए जून 2023 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने डबल का सेल रजिस्टर किया है। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे नंबर्स हमें कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब हम यहाँ पे एक बार ईयरली बेसिस पे चले जाते हैं, देखिए ईयरली बेसिस पे भी सेल्स हमें यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस शीट में अगर हम यहाँ पे चले जाए, देखिए रिजर्व्स यहाँ पे नियर अबाउट कंपनी के पास 772 करोड़ के आसपास का है, बट बोरोइंग्स है यहाँ पे यानी कि कर्ज 827 करोड़ के आसपास का है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप कंसिडर कर सकते हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये कंसिडरेबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके कैश फ्लो पे चलते हैं। देखिए कैश फ्लो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे उसे पैसा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए पैसा आ रहा है, ये प्लस में है, और नेट कैश फ्लो जो है वो भी ओवरऑल यहाँ पे प्लस में हमें दिखता हुआ मिल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। देखिए प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 69.74% की हिस्सेदारी है, FIS के पास यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 0.02% की हिस्सेदारी थी, बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है, अभी उन्होंने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी को ऑलमोस्ट डबल करते हुए दिख गए। DIS के पास देखिए यहाँ पे 0.82% की हिस्सेदारी है, बट यहाँ पे उन्होंने अभी अपनी हिस्सेदारी को ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल करते हुए दिख गए। पब्लिक के पास देखिए यहाँ पे जो हिस्सेदारी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। इन बेसिस में क्या होता है ना, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पब्लिक बहुत दिनों तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते अपने पोजीशंस को। पब्लिक को ऐसा लगता है यार ये ऊपर नीचे कर रहा है, मैं बेच के निकल जाता हूँ, पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है कि इसे कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ही शांति से बैठे रहते हैं और उन्हें पता होता है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स को चला रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं जिस तरीके से लेवल्स को देखता हूँ, मैं जिस तरीके से चीजों को देखता हूँ वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैं एक इस तरीके से जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इस एरिया को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दिया है बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। एग्जैक्ट उसी एरिया से देखिए ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करके प्राइस ने फॉल करा है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी एरिया से रिजेक्शन, प्राइस ने देखिए ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके यहाँ से थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्रिएट किया, बट फिर फॉल आया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट, एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन। उसके बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया,
उसी एरिया के आसपास आके रिटेस्ट किया, दोबारा वहीं से रिटेस्ट किया। ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग बता पाओगे तो मुझे बताना, मैंने अपने कैंडल स्टिक के कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोबारा से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ प्राइस, अब यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को ध्यान से देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक एरिया क्रिएट कर रहा है। कौन सा एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर आप इस एरिया को यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ना, ऐसा भी एरिया बना सकते हैं हम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, प्राइस ने यहाँ पे ऊपर गया, दोबारा से देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बायर्स को यहाँ से निकाला, ऑपरेटर ने यहाँ से बायर्स को निकाला, प्राइस को रिक्लेम कराया, अपने जोन में रिटेस्ट कराया, वहीं से देखिए बाउंस कराया। हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पे देखिए प्राइस गया, रिजेक्शन मिला, फिर वहीं से फॉल, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, प्राइस यहां से बाउंस करना चाहता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो होगा इसका प्रीवियस हाई, दैट इज 495 के आसपास का, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा हमारा 550 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज अजमेरा रियल्टी, ठीक है। तो यही थे आज के मेरे वो दो स्टॉक जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। मेरी तबीयत बहुत ही खराब है बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस भी लेके आते रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।